मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड के 10 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सभी आरोपियों को पॉस्को कोर्ट की जज आरती तिवारी के सामने पेश किया गया। पेशी के दौरान बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर ने जज से अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई। पेशी के दौरान ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि उसे जेल में नक्सलियों से डर लग रहा था। बता दें कि जेल प्रशासन ने ब्रजेश ठाकुर को उसी सेल में रखा है जिस सेल में खूंखार नक्सली बंद है। के दृष्टिकोण से आज माननीय पॉस्को के जज श्री आरपी तिवारी जी ने इस कांड के बनाए गए सभी 10 अभियुक्तों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई है और पेशी कराई। पेशी के दौरान इसके अभियुक्त बनाए गए ब्रजेश ठाकुर से जब जज साहब ने पूछा कि आपको कुछ कहना है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जज साहब से कहा कि मुझे माओवादियों के सेल में डाला गया है, मुझे जान का खतरा है, इसलिए इस पर सर कार्रवाई की जाए। जज साहब के द्वारा स्पष्ट रूप से सुरक्षा का बात कहते हुए, जेल के प्रशासन की सुरक्षा की बात कहते हुए इनकार कर दिया गया। फिर पुनः ब्रजेश ठाकुर के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा गया कि बहुत सारे सेल हैं, अगर ऐसी परिस्थिति है तो मुझे और कोई सेल में रखा जाए। उसे भी एक सिरे से माननीय जज साहब ने इनकार कर दिया। इसके बाद बारी बारी से जो 10 अभियुक्त हैं सबका नाम जज साहब अपने स्वयं पुकारते गए और उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कांड में दर्ज की गई। पुनः अगली पेशी 14 दिनों के अंदर में इन सभी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले पेशी के दौरान सुरक्षा को धत्ता बताते हुए महिला ने ब्रजेश ठाकुर के चेहरे पर कालिक पोत दी थी। यही वजह है कि सुरक्षा को देखते हुए इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने का फैसला लिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।